अरब सागर है बेटा, दूसरे पासे बंगाल की खाड़ी है और थले दखन दे विच साडा इंडियन ओशियन, ओके, हिंद महासागर बेटा। हाँ, ये तीन पासे समुद्र सागर लगते होने करके आप इन प्रायद्वीप कहने। आओ आप गल करिए प्रायद्वीपी पठार की वाइट। प्रायद्वीपी पठार में बेटा मेन जड़ा है आप वंडिया है तीन भागों के। ये तुहाडे सामने सब तो पहले देखो मध्य भारत की पठार, ठीक है, फिर अपना मालवा की पठार, तीसरा जिहड़ा इहदा भाग है दखण दी पठार। अब तुसीं देख रहे हो ना जो अपना कंसैप्ट मैप है, इहदे विच मेन अपन तीन पार्टी ने बेटा, मध्य भारत की पठार, मालवा की पठार, दखण दी पठार। आओ आप अगे वधन तो पहले गल करिए कि जिहड़ा ये प्रायद्वीपी पठार है बेटा, जिस तरह अपने हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत दे भी हुण वक्रे वक्रे भाग ने बेटा, इको जहा नहीं है, ठीक है। तो ये जरा पठारी जो भाग है साडा, ये सारा इको जहा नहीं है, ये बेटा वन संवंता हैगी है। तो ये जरा सारे मतलब वक्रे वक्रे होने करके वक्ो वक् आपकी पछाण रखता है। आप अगे बेटा डिस्कस करा डिटेल दे। और ये जिहड़े पठार ने बेटा मैदानों तो उच्चे होंगे ने और पहाड़ों तो नीवे होंगे बेटा। ते वैसे जी सब तो उच्ची पठार है बेटा संसार दी, वो अपने तिब्बत दी पठार है। ते इस करके करके जो असी उसनू संसार दी छत भी कहने हैगे हां, संसार दी छत, समान पड़ेगा और इस तो बाद की है कि ये जिहड़े पठार ने साडे कोल बेटा, एक खनिज पदार्थों का भंडार होंगे ने। 98% जिहड़े खनिज पदार्थ ने बेटा सानू पठारां तो ही मिलते हैं, ठीक है। खनिज पदार्थ मतलब जिवें देखो सोना, अबरक, मैंगनीज, लोहा, कोला, तांबा, ते बाक्साइट, ये जिहड़े जिन्ने भी खनिज पदार्थ ने ये सानू पठारां तो मिलते हैं। तुसीं बेटा एक गल नोट करियो कि जदों भारत दे नक्शे दे विच खनिज पदार्थ आपां भरांगे तां तुसीं देखना कि ये स्थान उही होणगे जिहड़े साडे पठारी खेतर च होणगे। हुण तुसीं कदे सुणिया अपने पंजाब दे विच सोना मिलता होवे, अबरक मिलती होवे, मैंगनीज, तांबा, कोला, हरियाणा दे विच, उत्तर प्रदेश दे विच, मतलब जिहड़े मैदानी इलाके ने बेटा, उह तां क्योंकि वैसे फर्टाइल इलाका हुंदा है, भूमि वास्ते बड़ा लाभदायक हुंदा है, ते जिहड़े पठार ने साडे, ये खनिज पदार्थां दा भंडार हुंदे है। और दूसरा बेटा इत्थे फसलां भी हुंदियां ने, असी जो है पठार दे विच जिस तरह चाह, रबड़, कॉफी, तंबाकू, तेल बीज ते दालां बेटा, ओके जी। तां इह जिहड़ियां फसलां ने असी आम तौर ते पठारी भाग दे विच बेटा आपां नूं प्राप्त हुंदियां ने। ते तुहानूं इक वारी आइडिया हो गया कि जिहड़े पठार ने इह साडे वास्ते क्यों महत्वपूर्ण ने। इह साडा खजाना बेटा खनिज पदार्थां दा। ते आओ आपां हुण गल करिए इन्हां दी डिवीजन दी। सब तो पहली जिहड़ी डिवीजन है बेटा मध्य भारत दी पठार, ये बेटा नोट कर लो। जिहड़ी मध्य भारत दी पठार है बेटा, ये द्राड़ घाटियां विच चंबल अते उस दियां सहायक नदियां विच है बेटा, नोट कर लो सारे बच्चे, चंबल अते उस दियां सहायक नदियां जिथे अपने वगदियां ने बेटा, ये उत्थे है। और ये जरा पठार है ना, ये काफी कटिया फटिया होया है बेटा, ते ये जड़िया मतलब उगड़ दुगड़ घाटियां करके ना ये बड़ा प्रसिद्ध है मध्य भारत का पठार। तुसी इहदे च बेटा बस मेन आई एने मेंशन कर देना है कि जी ये जो है अपने ये जड़ा इलाका है
ये मारवाड़ पठार के पूर्व विच पैंदा है ते इस दी जिहड़ा है द्राड़ घाटी दे विच जो मध्य भारत की द्राड़ घाटी दे विच चंबल अते उस दीआं सहायक नदियां वगदियां ने ते ये जिहड़ा पठार है ये समतल नहीं है कटिया फटिया होया है। ओके जी ते चलिए हुण आपां गल करदे आं अगे जो दूसरा पॉइंट है बेटा अपना मालवा का पठार। हुण मालवा के पठार नूं असी फिर अगे तीन भागां विच बेटा डिवाइड किया है अरावली पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी ते सतपुड़ा दीआं पहाड़ियां मालवा का पठार बेटा। और ये जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां बेटा जो पहाड़ी लड़ियां ने तुहानूं असीं ओह दस रहे हां कि मालवा पठार दे विच मेन तीन जिहड़ियां ने वड्डियां पहाड़ी लड़ियां ने ते अरावली पर्वत जिहड़ा बेटा है ना ये संसार दे सब तो प्राचीन पर्वतां दे विच्चों एक हैगा जी अरावली पर्वत। ते तुहानूं मैं इह वी दस दिआं बेटा कि जो अरावली पर्वत है ये हिमालिया पर्वत तो बहुत पुराना है बेटा बहुत पुराना हिमालिया पर्वत तो भी हालांकि हिमालिया पर्वत बने नूं तकरीबन 400 लाख साल होए ने लेकिन ये तो उस तो बहुत पहलां दा है। ते ऐसे करके बेटा क्योंकि जो हवा वगैरह बेटा वगदी है तापमान दे नाल इन्हां दा जिहड़ा है खुरदे रहिंदे ने ते इस करके जो इहदी हुण हाइट है वह छोटी हो गई है ते पौणा जिहड़ियां ने वह सिद्धियां इहदे उपरों दी लंघ जांदियां ने। और अरावली पर्वत दी बेटा जिहड़ी सब तो उच्ची चोटी है ना ये है गुरु शिखर 1722 मीटर इहदी उंचाई है गुरु शिखर बेटा अरावली पर्वत की सब तो उच्ची चोटी। ते एक दे विच दरा है बेटा गोरन घाट जिवें आप हिमालय च पढ़े ना बहुत सारे जिहड़े दरे हैगे ने जिवें शिकिला नाथूला। ओके इस तरह अरावली पर्वत का जिहड़ा एक गोरन घाट दरा है ये गुरु शिखर अते माउंट आबू नूं वख कर रहा है जिहड़ियां दो चोटियां ने बेटा गुरु शिखर ते माउंट आबू नूं वख करदा है किहड़ा दरा गोरन घाट। माउंट आबू बेटा एक बड़ा घूमन फिरन वाली जगह है बेटा लोग आंदे ने जांदे ने ते गुरु शिखर जिहड़ी है सब तो उच्ची चोटी। चलिए अरावली पर्वत श्रेणी तो बाद आपां मालवे दी पठार दी दूजी करदे हां लड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल जिहड़ी पर्वत श्रेणी है बेटा ये तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबी है ते ये जिहड़ा है गुजरात तो बिहार तक फैली हुई है बेटा पश्चिम तो जिहड़ा गुजरात है गुजरात तो बिहार तक तकरीबन 1200 किलोमीटर ज्यादा जिहड़ी लंबाई है बेटा माल अपने विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ते तीसरी जिहड़ी वड्डी लड़ी है बेटा वह है सतपुड़ा दीआं पहाड़ियां। हुण देखो सतपुड़ा दीआं पहाड़ियां एक्चुअली ये ना जिवें सत पुड़े हुंदे ने बेटा मतलब सत पहाड़ां नूं मिला के ये जिहड़ा बनाया गया है सतपुड़ा दीआं पहाड़ियां ते इहदी जिहड़ी बेटा सब तो जो उच्ची चोटी है ना वह है धूपगढ़। हाँ जी सतपुड़ा पुड़ा ते गढ़ धूपगढ़। ओके जी ते तकरीबन 1350 मीटर इहदी बेटा उंचाई है सतपुड़ा दीआं पहाड़ियां दी जो धूपगढ़ बेटा सब तो उच्ची चोटी है। ते ये बेटा जिहड़ा है अपना मालवा दा पठार ते मालवा दे पठार दे विचों ही नदियां बेटा निकलदियां ने जिहड़ी आ चंबल ते बेतवा है बेटा ये तां डिगदियां ने बंगाल दी खाड़ी दे विच ये बच्चे ध्यान नाल नोट कर लैन चंबल अते बेतवा बंगाल दी खाड़ी दे विच और नर्मदा ताप्ती ते माही ये नदियां डिगदियां ने अरब सागर दे विच। हाँ जी तुहानूं कई वारी क्वेश्चन आ जांदा है कि भारत दीआं केड़ियां नदियां केड़ियां दो नदियां या कोई एक नदी दसो जो कि अरब सागर विच डिगदी है तां नर्मदा ताप्ती और माही। ते बेटा जिहड़ी ये नदियां ने नर्मदा ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाउंदियां ये एस्चुरी बनाउंदियां ने ते ये अपने प्रायद्वीपी पठार दे विचों निकलदियां ने।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਨਰਮਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਰਮਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਪਠਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ। ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਠਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਠਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ। ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਠਾਰ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਵੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ। ਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਮਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲਾਵੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਬਸਾਲਟ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਬਸਾਲਟ ਚਟਾਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਠਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਠਾਰ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਠਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੂਲਨਗਿਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1013 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੂਲਨਗਿਰੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇ ਮੂਲਨਗਿਰੀ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਪਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਦਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗੋਲਦਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ। ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਥਾਲ ਘਾਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੋਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਾਲ ਘਾਟ। ਤਿੰਨ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਲ ਘਾਟ, ਪੋਰ ਘਾਟ ਤੇ ਪਾਲ ਘਾਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਨਦੀ। ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਝਰਨਾ, ਜੋਗ ਝਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਲ ਘਾਟ, ਪੋਰ ਘਾਟ, ਪਾਲ ਘਾਟ, ਤੇ ਜੋ ਜੋਗ ਚਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਕੁਦੇਰ ਮੁੱਖ ਔਰ ਪੁਸ਼ਪਾਗਿਰੀ। ਕੁਦੇਰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਗਿਰੀ, ਆ ਦੋ ਬੇਟਾ ਮੁੱਖ ਚੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ
पश्चिमी घाट तो हम आप चलीए पूर्वी घाट वाले पास जेडे पास अपने बंगाल की खाड़ी है बेटा। जेड़ा पूर्वी घाट है यदि सब तो उच्ची चोटी है बेटा महेंद्र गिरी, जेडी कि 1501 मीटर उच्ची है महेंद्र गिरी बेटा। और जेड़े पूर्वी घाट ने ये पछमी घाट के मुकाबले ज्यादा चौड़े ने, कट्टे वड्डे होए ने, नीवे ते टुटिया पहाड़ियां वाले ने। तुसी देखा होगा जरा पछमी घाट है ये तकरीबन इकसार है बेटा, लेकिन जरा पूर्वी घाट है ये एक तो ज्यादा चौड़ा है ते एक कट्टे वड्डे होए ने। आप जो इंडिया का मैप बेटा ड्रॉ करते हाँ या फिल करते हैं तो तुसी आराम नाल देखते हो बेटा, तो जरूर लिखना है कि जो पूर्वी घाट ने ये कट्टे वड्डे ज्यादा चौड़े नीवे ते टुटियां पहाड़ियां वाले ने। हाँ एक बेटा दे होर खेत्र है दंडाकारण्या। दंडाकारण्या की है एक जंगली खेत्र है बेटा, ते इत्थे जिहड़ी है जंगल बेटा ज्यादा ने। और ये जिहड़ा खेत्र है छत्तीसगढ़ का जिला है बेटा बस्तर, ते उड़ीसा का जिला है कोरापुट। इस खेत्र दे विच दंडाकारण्या का खेत्र है जो कि जंगल के वास्ते बेटा मशहूर है। ओके जी, ते हाँ जी हुण आपां जिहड़ी गल करिए दखनी पहाड़ी समूह, दखन का जिहड़ा पहाड़ी समूह है बेटा उहदे बारे। इहदे च क्या है कि आपां देखो पछमी घाट बारे पढ़िया, पूर्वी घाट बारे पढ़िया, जो विचकार लिया पठार है बेटा उहदे बारे आपां पढ़िया, ते आ एक है नीलगिरी दियां पहाड़ियां। नीलगिरी दियां पहाड़ियां ते की है बेटा कि जिहड़ियां अनाए मुदी पर्वती गंढ ना, ये पछमी घाट अते दखनी भारत की सब तो उच्ची चोटी है। 2695 मीटर बटा जी दी हाइट है अनाए मुदी पर्वती गंढ। हुण देखो ये जी अनाए मुदी पर्वती गंढ है ये उत्तर तो आगे मिल गई अनाए मुली पर्वत श्रेणिया, अनाए मलाई दिया उत्तर तो, ते दखन वालों आ गई पलनी पहाड़ी श्रेणिया बेटा, वो दखन तो आगे मिल गई सॉरी उत्तर पूर्व तो आके मिल गई बेटा, उत्तर पूर्व वाले पासे है, ऐसे करके मैं रखा भी इस पास ही है बेटा उत्तर पूर्व वाले पासे। ते उत्तर दे विच अनाए मलाए, उत्तर पूर्व दे विच पलनी दियां पहाड़ियां, और दखन दे विच बेटा कारडामम। हाँ जी कारडामम जां असी इलाची भी कह दिंदे आ, कारडामम दियां पहाड़ियां इत्थे आके कठियां हुंदियां ने अनाए मुदी पर्वत गंढ दे विच। ये जी है सब तो बड़ा उची चोटी 2695 मीटर। तो ये जी नीलगिरी पहाड़ियों के उपर बेटा सारे कट्ठिया आदि ने। और ये जो मेन चोटियां ने बेटा एक दोदा बेटा है जिड़ी कि 2637 मीटर उची है, तो पछमी तो पूर्वी घाट पहाड़ियां तुर दखन च आके इतने मिल दिया ने बेटा, वह मैं पहले दस चुकिया नीलगिरी दियां पहाड़ियां दे उपर। आ मान लो जरा पछमी घाट ये पूर्वी घाट, ओके ये इत्थे आके मिलदियां ने बेटा। सो ये जरा सारा अपना सी मेन प्रायद्वीपी पठार। एक बार फिर बेटा मैं तुहानू मेन मेन दोबारा रिवाइज करवा देना, मेन ये बेटा तीन जिहड़े पार्ट ने मध्य भारत की पठार, मालवा की पठार, ते दखन की पठार। जिहड़ी मध्य भारत की पठार है बेटा इस दी दरार घाटियां दे विच चंबल ते उस दीआं सहायक नदियां वगदियां ने, और ये जिहड़ा पठार है काफ़ी कटिया फटिया होया है। मालवे दीआं जो है पठार दे विच तीन मेन वड्डियां पहाड़ी लड़ियां ने अरावली, विंध्याचल ते सतपुड़ा। ते आ नदियां ने बेटा नर्मदा, ताप्ती, माही अरब सागर च डिगदियां ने, ते बंगाल दी जिहड़ी खाड़ी है विच डिगण वाली नदियां चंबल ते बेतवा।
ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਚ, ਕੁਛ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਢਲਾਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਾਟ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਚਰਨਾ ਹੈ ਜੋਗ ਚਰਨਾ, ਆਹ ਮੁੱਖ ਚੋਟੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪਹਾੜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਬਤੀ ਗੰਢ ਹੈ, ਅਨਾਇਮਲੀ ਪਰਬਤੀ ਗੰਢ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਇਮਲੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਨੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਕਰਡਾਮਮ ਜਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ 2695 ਮੀਟਰ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਲੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਮਰਨ, ਨੀਤੂ, ਅਮਿਤ, ਵਿਕਾਸ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਪਨਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਬੀ ਰੈਡੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫਿੰਗਰਸ ਫਸਟ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਜੋ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਦਾ ਪਠਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਇੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਹਾਂ ਮਾਨਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਕਲਪਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਪਨਾ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਹੀ ਨਦੀ ਜੀ। ਮਾਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਤਾਪਤੀ ਔਰ ਨਰਮਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੋ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਰਮਦਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ
हाँ जी, हुण तुसीं मैनूं दसो कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल ते सतपुड़ा, ये किस पठार दे भाग ने बेटा? ये किस पठार दियां वड्डियां पर्वत लड़ियां ने? यस, कल्पना बहुत फास्ट चल रही है बेटा। हाँ मानसी बिल्कुल सही है, लक्ष्मी गुट, मालवे दी पठार। यस यस, मालवे दी पठार बेटा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਯੈਸ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਠਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਠਾਰ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗੇਨ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਕਿਸ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ। आप बाकी के बच्चे बेटा जवाब दे सकते हैं, अमित अंसारी है, नीतू, गुरशरण, जसप्रीत, मनीषा, रेणुका, सोनम। जल्दी करो ना, जी हाँ जी, सब तो जी वड्डी बेटा चोटी है, गुरु शिखर जी का नाम है। बिल्कुल सही जवाब बेटा, गुरशरण, अंजलि, अरावली पर्वत श्रेणी है बेटा। कल्पना अपना आंसर सही करो, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सब तो उच्ची चोटी है। ते एक मैं होर दसो कि गुरु शिखर ते माउंट आबू नू वक्ख करन वाले दरे का नाम क्या है? केड़ा दरा गुरु शिखर और माउंट आबू नू वक्ख करता है? सोनम आप बेटा कोशिश करो, पलक, भावना, गगन। हाँ जी गोरन काट, वेल डन वेल डन अंजलि, बहुत अच्छा बेटा। कल्पना गुड, हाँ जी गोरन काट बेटा, यस। ते हाँ जी एक मैं गल की सी, जरा दखन का पठार है बेटा, ओदे विच एक जंगली खेतर है जरा कि छत्तीसगढ़ ते उड़ीसा दे एरिया हैगा है। ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਓ ਵਾਓ ਕਲਪਨਾ, ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। हाँ जी दंडा कारनिया बेटा, उसका नाम सी, कल्पना ने दसता है, दंडा कारनिया। ओके हाँ जी विकास बेटा बिल्कुल सही है। ते चलिए अपने को बेटा 2 मिनट बाकी ने। जी यस, मेरा हुन क्वेश्चन ये है कि सतपुड़ा जो पहाड़ी श्रेणियां हैगियां ने, सतपुड़ा दियां पहाड़ियां, एदी सब तो उच्ची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा, पुड़े तो ही तुहानू मैं याद करवाया सी, ते आसान है। यस यस, कल्पना यू आर वेरी फास्ट। हाँ जी गुड कल्पना, नवप्रीत, लक्ष्मी, बहुत अच्छा, अमित, यस, अंजलि, बिल्कुल सही बेटा, गुड गुड। धूपगढ़, धूपगढ़ बेटा 1350 मीटर जिहड़ी इहदी ऊंचाई है, ते इह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दी सब तों उच्ची चोटी है बेटा। बहुत अच्छा। हाँ जी हुण मैनूं इह दसो कि यस जी, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है,
ये कितों लेके ते कितों तक है बेटा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ऐसी जड़ी बेटा जो विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी दा वो कितों लेके कितों तक है? लक्ष्मी वेल डन बेटा, अब की बार आपने बाजी मारी है। कल्पना बहुत अच्छा। हाँ जी, गुजरात तो लेके बिहार तक। ओके, तो हूँ मैनू पूरी उम्मीद है कि अगर भारत की भूगोलिक वंड दे कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुसी हुण उहनू अपनी समझ के मुताबिक अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चाहे तुहानू प्रायद्वीपी पठार बारे पूछ लवे, उहदियां अगों जिहड़ियां ने डिवीजन बारे पूछ लवे, चाहे हिमालय पर्वत बारे पूछ लवे या मैदाना बारे पूछ लवे। तो ऐसी बेटा बस एक अपना रह गया हैगा, वो आपां कल डिस्कस करांगे। तो उहदे विच जिहड़ी है आपां गल करांगे तट दे मैदान अते दीप समूह। ये जी अपनी डिवीजन बाकी हैगी है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन बेटा जो मेरा, तुसी मैनू दसो जी, जी एक चोटी है महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी बेटा, महेंद्र गिरी जी चोटी है वो कितने करके है बेटा? हाँ जी वीरपाल, शाबाश बेटा, थोड़ा आंसर बिल्कुल सही है। महेंद्र गिरी। ओ वाह सिमरन, गुड। महेंद्र गिरी जो है बेटा, हाँ यस अंजलि, बहुत अच्छा। अमित, वेरी नाइस बेटा। पूर्वी काट दी सब तो उच्ची चोटी है महेंद्र गिरी। ते अगर मैं जावां बेटा, बस लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं जावां दक्षिण पहाड़ी समूह दे विच, ते उथे एक जगह ऐसी है कि जिदे विच उत्तर तो भी पहाड़ी श्रेणियां आके मिल रहियां ने, उत्तर पूर्व तो भी और दक्षिण तो भी, वो किस जगह ते आके बेटा मिलदियां ने? उस जगह दा नाम, उस गंढ दा नाम क्या है? दक्खन पहाड़ी समूह दे विच बेटा। हाँ जी, जिवें दक्खन दे विचों बेटा कारडामम दी पहाड़ियां आके मिलदियां ने, उत्तर पूर्व दे विचों पलनी दी पहाड़ियां, ते उत्तर दे विचों अनाय मलाई दी पहाड़ियां आके किस जगह ते आके इकट्ठियां हुंदियां ने बेटा? मैं उस दा नाम पूछना है। ओ नवप्रीत, बहुत अच्छा बेटा, गुड गुड। हाँ जी, अनाय मुदी पर्वती गंड बेटा, अनाय मुदी पर्वती गंड। ओके जी, ते चलो मैं बेटा इतने खत्म कर रहा हाँ। ते अपने को हाले बस 2 मिनट पे ने, तो तुसी जल्दी नाल दस सकते हो बेटा होर कि तुहानू क्लास किवें लगी, एंड काइंडली मेंशन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो कि अज दी क्लास विच कि डिस्ट्रिक्ट तो बच्चे आए ने साडे कोल। अच्छा जी, कल्पना हुशियारपुर तो है, वेलकम बेटा। और सिमरन फाजिलका तो ठीक है, नवप्रीत तरन तारण तो वेलकम, हरजोत हुशियारपुर तो ओके, सरगुनप्रीत हुशियारपुर तो वेलडन बेटा। लक्ष्मी कल वाली क्लास बेटा यही समा होगा, अमित हुशियारपुर तो, एंड लक्ष्मी भी हुशियारपुर तो, मानसी राजपुरा तो है, गौरव रूपनगर तो वेलकम बेटा, गुरुशरण गढ़शंकर गुड, सरगुनप्रीत थैंक यू बेटा, और तुहानू क्लास बेटा कोई दिक्कत नहीं ना आती, मतलब समझ आ जाती है आराम नाल? ओके थैंक यू बेटा। ते बाद में जेड़ा है दा वीडियो लिंक है यूट्यूब दे ऊपर, तुसी वो भी बाद देख सकते हैं हो। ओके थैंक यू बेटा, ते तुसी नू सब्सक्राइब भी बेटा कर सकते हैं हो। यूट्यूब लिंक वास्ते तुसी जाना पड़ेगा तुहानू गुप्ता विजय 71। हाँ जी ओके जी बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर अटेंडिंग द क्लास।
हाँ जी, ते ऐसा लिंक बटा जो टेलीग्राम का ग्रुप है सारा सीधे उस भी पा देने हैं क्या। ओके बेटा बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बेटा।